हो गया। हाँ ये आज मेरे हाथ का खाना अच्छे से खा लो, कल से मुस्कान के हाथ का खाना खाना पड़ेगा। पंडित जी ने कल सुबह का मुहूर्त दिया है रसोई की रस्म करने के लिए। भाई इतनी भी क्या जल्दी गए थे जी? जल्दी कहाँ है, 5 दिन हो गए मुस्कान को घर आए हुए, प्रथा के हिसाब से तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अरे ये कब कटा? ज्यादा लगी है क्या? नहीं माँ, बस छोटा सा कट। ज्यादा चोट कहाँ है? रौनक बेटा एक काम कर, ये प्लेट ले जा कमरे में और अपने हाथों से खिला दे उसे। अरे खा लेगी अपने आप, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, छोटी चोट है। तू कब से मेरी बात टालने लगा? प्लेट उठा ले जा। जी। रौनक जी। दूसरा प्लेट भी। जी। चलिए उंगली कटी आपकी। उंगली में चोट लगी है तो खाना कैसे बनाएगी? पंडित से कहे कि कोई और मुहूर्त निकलवा लीजिए ना, किसी और दिन का। नहीं माँ, मुहूर्त बदलने की जरूरत नहीं है, छोटी चोट है, ठीक हो जाएगी। और सिंह साहब, पानी की आई मत, आपकी बहू का ख्याल रखने के लिए है ना आपका बेटा। आइए। पेट बुरा मान जाएगी, खाइए। आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। ठीक है, मत खाइए। रोटी चावल। खाओ ना, खाओ बेटा खाओ। अरे हाँ। अभी तक एक भी रोटी खत्म नहीं की। वही तो, कब से कह रहे हैं हम, तो कह कि खरगोश जैसे छोटे छोटे निवाले और कछुए जैसी स्पीड में खाएंगे तो कैसे खत्म ही नहीं होगा। पेट भर के खिलाने के बाद ही रुकना, ठीक है? बिल्कुल, तू जा, ठीक है जा। खाओ खाओ खाओ, अरे खाओ खाओ, माँ खड़ी है, खाओ। माता रानी लड़ते झगड़ते रहते हैं लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ कितने प्यारे लगते हैं। भगवान इन दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। खाइए, चलिए। थोड़ा सा कटा ही है बस, कुछ नहीं है, ऐसे बहुत खरोचा है हमें, आपकी नानी के गुंडों ने दिए हैं। खाइए खाइए खाइए। तब तक खाना खत्म नहीं होगा, हाथ नहीं रुकने चाहिए बसंती। मतलब मुस्कान, हाथ दो, कष्ट मंडो। अब खा सकती हो तो खाओ। माँ गया था मुस्कान के कॉलेज उसके घर का पता लेने, प्रिंसिपल ने नया पंगा अटका दिया, कहता है इस पेपर में पहले उसका साइन कराओ, कब मिलेगा बता? मिल जाएंगे साइन तुझे कल तक। बस माँ तू साइन करवा दे, फिर ये तेरा बंटी पूरे परिवार की जन्म कुंडली निकाल के रख देगा तेरे सामने। बस तो इतना सा काम कर दे, फिर देख कैसे घसीट कर लाती हूँ उसके घर वालों को। कहाँ? एक काम करो, तुम बेड पे सो, हम वहां पे सो रहे हैं, काउच पर, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है,
कहीं हवा लग गई तो आवाज करोगी, फिर माँ आएगी, सब समझ रहे हैं, तुम आराम से सो बेड पर, हाँ ठीक है। रौनक जी थैंक यू। किस लिए? मेरी चोट पे मलहम लगाने के लिए, बैंडेज करने के लिए, खाना खिलाने के लिए और केयर करने के लिए। केयर तो अपनी टॉमी की भी करते थे, वो उतने आज तक थैंक यू नहीं बोला हमें। बहुत केयर किए, भोगता रहा और एक दिन छोड़ के चला गया। वैसे आप भी चले जाएंगे, समझ रहे हैं कि केयर वेयर तभी तक जब तक आप हैं। शुभ रात्रि, सो जाइए, सुबह में जो ज्ञाने जाना है। मतलब जोगियाने लाइए, सो जाइए, लाइट ऑफ करो। यहाँ भी हमारे पीछे आ गई तुम, जब देखो चिपक जाती हो। मैं आपके पीछे नहीं हूँ, आप मेरे आगे हो। एक मिनट, काम करो, आगे आओ या फिर रास्ता लो, घर जाओ, चलो। क्यों जाऊँ मैं घर? क्यों जाओ? मुझे भी जो ज्ञान है हेल्थ बनानी है। अगर सर जी ने ज्यादा गुंडे भेज दिए तो खुद से तो मैं भी निपट लूंगी ना। आधे किलोमीटर में हाँप रही हो, हम 5 किलोमीटर दौड़ते हैं रोज, 5 किलोमीटर ना। हाँ। हो जाएगा, हो जाएगा। वैसे भी जब से आप मेरी लाइफ में आए हो, पीटी उषा बनाने पे तुले हो। तो तुमने हमें मिल्खा सिंह बना दिया है। हाँ तो अच्छी बात है ना, पीटी उषा मिल्खा सिंह दोनों मिलकर 5-6 गोल्ड मेडल तो जीत ही लेंगे। मेडल ऑनलाइन नहीं मिलते, बात कर रहे हो। चुपचाप घर जाओ, ये चुपचाप दौड़ो हमारे साथ। लो खेल शुरू हुआ, नहीं पहले खिलाड़ी आउट। एक बात बताओ, कल तुमने हाथ कटवा लिया, आज पैर मुड़वा लिया, तो क्या तुम चोट को नहीं होता देती हो, या चोट खुद आके तुम्हें चुमी देती है? उठो, अरे देखो देखो संभल के उठो। जो ज्ञानी आई थी ना, देख रहे हालत, चलो। कौन आता बे है चप्पल में? जोगियाने लोग जूते पहन के आते हैं ना, टांग तोड़ोगी हमें कूली बनाओगी, बस यही है। टैक्सी कहाँ मिलेगी? ओ भाई हमारी पत्नी का पैर टूट गया, थोड़ा थोड़ा खोल दीजिए दरवाजा। बैठिए बैठिए, हम नेकी करने में ना देरी नहीं करते, आइए बैठिए। थैंक यू। क्या हुआ तुम इतनी घबराई घबराई हुई क्यों लग रही हो? अरे कुछ नहीं, यहाँ पर लोग अपने कमरे में हो, ये लो पानी पियो, लो कुछ नहीं है, बुरा बुरा सपना था, ये लो पानी 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 पियो, पानी पियो। सब ठीक? हाँ। मैंने देखा कि क्या वो लोग मुझे किडनैप करके लेके जा रहे हैं और आप भी मुझे बचा नहीं पा रहे हो, आप बस पीछे पीछे भाग रहे हो और बोल रहे हो कि मेरी पत्नी को छोड़ दो, मेरी पत्नी को हाथ भी लगाया तो मैं मार दूंगा, मेरी पत्नी को छोड़ दो, मेरी पत्नी।
बस सपना था जो कभी हकीकत में नहीं बदलेगा। नकली पति हैं जो कभी असली नहीं बनेंगे। और सपने में भी कभी हमारी बीवी बनेगा सपना मत देखना, कभी पूरा नहीं होगा वो।